इतनी गर्मी पड़ रही है कि यहाँ के लोग परेशान हैं, जैसे प्लेन्स में हैं, गर्म हवाएं चल रही हैं और टेम्परेचर 32 डिग्री आज के बाद मसूरी का जो निश्चित ही मसूरी के लिए ठीक नहीं है, यहाँ के पर्यावरण की दृष्टि से ठीक नहीं है और इसके कई कारण हैं जो लगातार यहाँ पर पेड़ों का कटान हो रहे हैं, लगातार पूरी जमीनों को जो है सीमेंट से पार दिया गया है जिससे ज़मीन में पानी नहीं जा रहा, पहाड़ काटे जा रहे हैं और वाहनों की संख्या तो कई गुना बढ़ गई है। इस मसूरी में स्कूटियाँ, बाइकें, कारें इतनी हैं कि यहाँ भी जाम लगने लगे हैं। तो ये सब कारण हैं और अगर यही रहा, इसी तरह से रहा तो आने वाले दिनों में बर्फ देखने मसूरी वालों को भी कहीं बाहर जाना पड़ेगा। तो ये मसूरी के लिए अच्छा नहीं है, इसमें लोगों को समझना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए, ज़मीन को ज़्यादा पक्का नहीं करना चाहिए, स्कूटियों का, बाइकों का इनका चलन थोड़ा कम करना चाहिए, तब जाके मसूरी का वातावरण जो है पहले की तरह बन सकता है। लगातार गर्मियाँ बढ़ रही है, जो देहरादून शहर है यहाँ पर भी और तापमान पिछले कई वर्षों तक पहुँच चुका है, साथ ही वह कई बीमारी भी चले गई लोग आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, इसके विभिन्न कारण हैं और अगर हम एक ही किसी विशेष कारण को ना तरफ ना ध्यान देके, अगर मैं संक्षिप्त में सारे कारण आपको गिनाती हूँ, एक तो हमारा जो ग्रीन कवर इरोड हुआ डेवलपमेंट के लिए, चाहे टूरिज्म के लिए, चाहे रिलीजियस टूरिज्म के लिए, चाहे अर्बन एक्सपेंशन के लिए, वो एक बड़ा कारण है। और हमारे फॉरेस्ट लैंड अगर आप देखें तो लैक्स एंड लैक्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डाइवर्टेड फॉर वेरियस डेवलपमेंट पर्पसेस, चाहे रोड के लिए लें, चाहे मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए ले लें। और देहरादून शहर में भी एक ही दिशा में चार छः रोड्स बनाई गई हैं। दूसरा, फॉरेस्ट फायर्स मैं एक दूसरा मेजर कारण देखती हूँ, क्योंकि उसमें हमारे ट्रीज़ ही नहीं उसमें जले बल्कि जो ग्राउंड कवर होता है, आपकी रिच बायोडायवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ का तो हम बात ही छोड़ दें, तो ये सब बहुत बड़ा नुकसान। और वो वेदर चेंज में और जो कार्बन रिलीज में, ये सब उसका एक जो हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारी एयर क्वालिटी पे, हमारी वाटर बॉडीज़ पे उसका बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो टेम्परेचर, तो उसका बढ़ना एक बहुत बड़ा कारण है। हमारी वाटर बॉडीज़ जिनकी वजह से हमारी एक माइक्रो क्लाइमेट थी, जो कि रिवीन्स थी, जो हमारी नेचुरल फायर लाइंस थी, उनका इरोड होना, उनका एनक्रोच होना, उनमें रबल और कंस्ट्रक्शन वेस्ट और अर्बन वेस्ट उसमें डाल देना, तो वो सारी जो हमारी नेचुरल फायर लाइंस जो कि मॉइस्चर भी मेंटेन करती थीं, और जो हमारी नदियाँ उनकी आप वाटर क्वालिटी और आप खुद देखें उसमें, वो एक तरह से जो इस एरिया से फैमिलियर नहीं है वो उनको नाला या ड्रेन कहते हैं। जबकि हमारी, अगर मैं देहरादून वैली की बात करूं, तो इसमें कम से कम बड़ी और छोटी मिला के 100 नदियाँ हैं और वो गिन भी चुके हैं हम लोग, सर्वे भी कर चुके हैं, बट गवर्नमेंट ने अभी तक ना उनका सर्वे करा है। तो वो अब एक या छोटी छोटे जो हमारे पॉन्ड्स भी थे या जो और वाटर बॉडीज थी, सभी इरोड हो गई हैं और सभी मेजर पॉल्यूटेड। तो उसका जो आप सब जानते हैं कि वाटर बॉडी से ही रेन भी आती है, रेन आती है और उसका एक टेम्परेचर कंट्रोल में बहुत बड़ा योगदान होता है, तो वाटर बॉडीज़ का इरोड होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। फिर क्योंकि हमारा अर्बन एक्सपेंशन इतना हुआ कि जो गांवों की लैंड म्यूनिसिपल एरियाज में आई, वो उनका कोई ज़्यादा अकाउंट नहीं रखा गया, वो मेजर एंट्रोच होके रिज, पूरी ग्राउंड्स, पहले तो ग्राउंड कवर कटा उनका, उनमें फॉरेस्ट फायर और वो फायर लगाई गई श्रब्स वगैरह को जलाने को। तो ये सब इतने चीज़ें और इतने कारण मिलके भी अगर हम सोचें कि पानी की कमी नहीं होगी या हमारा
टेम्परेचर उसी तरह का जिस तरह की पुरानी नो प्लेजेंट वेदर के लिए एक पहचान थी, हमारी आइडेंटिटी थी, तो वो एक बहुत बड़ी गलत फहमी होगी, क्योंकि पूरे साल जो वेरियस पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि माइनिंग के लिए या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या अर्बन एक्सपेंशन के लिए जो जो नॉर्म्स थे या लीगल प्रोटेक्शन थे, उनको बहुत रिलैक्स करा गया, और उन्हीं का एक हम बड़ा कारण देते हैं कि जो ग्राउंड कवर या ट्रीज़ का कटना लार्ज नंबर और मेगा प्रोजेक्ट्स तो एक मेजर कारण है ही इस जलवायु परिवर्तन का, और एक अर्बन हीट के और या हीट वेव के सबसे ज़्यादा इंस्टेंसेस उत्तराखंड में हुए, 2022 का डेटा है, तो उसमें एक पहाड़ी राज्य होने के बावजूद उत्तराखंड में हीट वेव के सबसे ज़्यादा इंस्टेंस पूरे कंट्री में होना भी एक हमारी पॉलिसी में कमी या एनवायरनमेंट पे ध्यान ना देने को दर्शाता है, और इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट का ही एटीट्यूड ना चेंज हो या पॉलिसी चेंज ना हो, बल्कि आम आदमी को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के एज में जहाँ की सब और अन्य कंट्री, इवन एशियन कंट्रीज उसके लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं, हम अपने ऑलरेडी जो हमारे पास प्राकृतिक संपदा थी हम उसको नष्ट कर रहे हैं, या उस तरह की पॉलिसीज पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उसमें पॉलिसी इंटरवेंशन होना, जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, उसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो ढलान था या जो बेनाप लैंड थी या जो स्लोप लैंड थी जो कि पब्लिक लैंड का हिस्सा थी, और जो हमें जो हमारे पहाड़ों को स्टेबिलिटी भी देती है और उसका ग्रीन कवर भी बनाए रखती थी, तो आप खुद देखेंगे या हमारे 2 साल के पुराने आंकड़े ले लें तो जो हमारे लैंडस्लाइड के केसेस हैं वो कितना गुना बढ़े हैं। मसूरी में कॉन्क्रिटाइजेशन बहुत हुआ है, कोई कैरिंग कैपेसिटी की बार बार बात होती है, जबकि एनजीटी के भी डायरेक्शन हैं कि उसमें कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही उसमें कंस्ट्रक्शन हो या जो भी तरह का अर्बन डेवलपमेंट उस तरह का हो, बट उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, और जो वहाँ पर तो एंक्रोचमेंट भी बहुत है, हमारी मसूरी देहरादून के पूरे पैच में अगर आप जाएं तो हम देख सकते हैं कि जिधर वैली है, जहाँ वैली भी होना चाहिए था, वहाँ कैफे हैं जो कि सब इलीगल कंस्ट्रक्शन।